हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कैड सीखने की सीरीज में और यह है लेक्चर 10। तो लेक्चर 10 में हम लोग देखने वाले मॉडिफाई के आगे के टूल्स, जो कि हमने लेक्चर 9 में दो टूल्स यहाँ पे कवर कर लिए थे, कॉपी और मिरर। कॉपी और मिरर ये दोनों टूल्स हमने देखे किस तरह से करने हैं। लेक्चर 9 में आपने किया होगा इसका प्रैक्टिस। हम आगे ऑफसेट टूल देखने वाले यहाँ पे किस तरह से यूज होता है इसका, और साथ ही में हम लोग ड्रॉ टूल बार में ही आगे बढ़ने वाले हैं इस कमांड के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकली ऑब्जेक्ट या कुछ डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं हम लोग ये टूल सीखते सीखते। तो चलिए देखते हैं मॉडिफाई के अंदर का और ड्रॉ के अंदर का एसपी लाइन वगैरह किस तरह से करना है। मॉडिफाई टूल बार, साथ ही में ड्रॉ टूल बार या ड्रॉ मेनू यहाँ पे हम ऑपरेट करने वाले। तो मैं सबसे पहले एसपी लाइन यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे एसपी लाइन दिखाई दे रहा है आपको। एसपी लाइन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और एसपी लाइन ये होता है कर्व लाइन, मतलब आप जैसे चाहिए वैसे कर्व लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये कोई डायमेंशन वाली लाइन नहीं है, इसमें आपको डायमेंशन देना ही नहीं है। आप ये रैंडमली कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे भी कर्व पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं, अनलिमिटेड पॉइंट ले सकते हैं आप। और जब कभी आपको इसको एंड करना होगा तो आपको एक बात याद रखना है, आपको तीन एंटर यहाँ पे करने हैं। अब ये तीन एंटर क्यों मैं बता देता हूँ, लेकिन पहले आप तीन एंटर करके इसे एंड कर दीजिए। तीन एंटर मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, ये लाइन एंड हो चुकी है। ड्रॉ स्टार्ट किया था मैंने, कर्व लाइन लिया इस तरह से, ये एसपी लाइन ड्रॉ हो चुका है। तो मैंने आपको बताया ड्रॉ करके यहाँ पे एसपी लाइन पे क्लिक करो और ड्रॉ चालू कर दो। आप कैसे भी कर्व करके इसे ड्रॉ कर सकते हैं जो पॉइंट पे आपको टर्न करना है, लेकिन एक बात याद रखना, इसके लिए ऑर्थो बंद रखना जरूरी है। बहुत सारी बार हम ऑर्थो ये प्रैक्टिस में ऑन रखते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन के साथ रहता है, फिर एसपी लाइन हम प्रॉपरली कर्व नहीं कर पाते। तो यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन लेना नहीं है हमें, तो इसलिए ऑर्थो बंद रखा है। ये तो कर्व लाइन है और ये कर्व लाइन डिज़ाइन के लिए यूज होता है। रैंडमली कोई भी डिज़ाइन हम एसपी से क्रिएट कर सकते हैं, वो कैसे मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप इसे क्लोज कैसे करना है मैंने आपको बताया था तीन एंटर, लेकिन यहाँ पे मैं एक ही एंटर कर रहा हूँ। एक एंटर करने के बाद एंड तो हो चुका है लाइन का, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है कमांड लाइन पे जरा देखिए, जो एसपी लाइन है वो कंटिन्यू नहीं होगी। स्पेसिफाई स्टार्ट टेंजेंट, तो आपको जो स्टार्टिंग का टेंजेंट पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट एक और लाइन का, वो किस तरफ चाहिए, ऐसा चाहिए कहो ऐसा चाहिए, तो आप जिस तरफ चाहिए उस तरफ रखोगे। अगर आपने कुछ भी नहीं रखा, माउस जिस डायरेक्शन में है एंटर करते उस डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली वो कहो होगा। जैसे ये ऐसा कहो है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा कहो होगा, लेकिन मैं चाहिए तो ऐसा कहो कर सकता हूँ। मैं क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको स्पेसिफाई एंड टेंजेंट ऑप्शन आ रहा है, जरा आप यहाँ पे पढ़ लेना स्पेसिफाई एंड टेंजेंट। तो एंड का जो टेंजेंट है वो किस तरफ कहो चाहिए, इस तरफ या इस तरफ, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ चाहिए तो इस तरफ, ऐसा माउस ले लो आप और क्लिक कर दो। यहाँ पे जरा नोटिस कर लो, ये समझने की कोशिश करो, ये ऐसा कर्व आ चुका है और ये ऐसा कर्व आ चुका है, बिकॉज मैंने सेकेंड और थर्ड पॉइंट पे माउस से क्लिक कर दिया जिस डायरेक्शन में मुझे कर्व चाहिए था। तो ये मैंने बताया तीन इंटर क्यों करने हैं। अगर आपको कोई कर्व नहीं रखना है, टेंजेंट पॉइंट नहीं चेंज करने हैं, एज इट इज रखना है, तो आप तीन इंटर कर दो, डायरेक्टली एसपी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो सपोज मैं यहाँ पे अभी एक रेक्टेंगल भी आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके, मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो रेक्टेंगल किस तरह से आरी से एंटर कर रहा हूँ, इसका डायमेंशन मैं कोई नहीं ले रहा, एक रैंडम एक कोई भी एक डायमेंशन, वर्टिकल डायमेंशन और हॉरिजॉन्टल कोई भी एक वर्टिकल रेक्टेंगल इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं अभी एसपी लाइन ले रहा हूँ, एसपी लाइन लेने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ एसपी लाइन पे और क्या क्रिएट कर रहा हूँ देखो आप। इस रेक्टेंगल की हेल्प से मैं इस पॉइंट को अंदर ले रहा हूँ इस तरह से, फिर मैं इसे बाहर ले रहा हूँ इस तरफ, मैं ये पॉइंट यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ले रहा हूँ और यहाँ पे कर्व कर रहा हूँ। ये पॉइंट मैं कर्व करते जा रहा हूँ इस तरफ, आप दिखाई दे रहा है कि मैंने जो रेक्टेंगल लिया था उसके ऊपर इस तरह से ये पॉइंट ले लिए और तीन एंटर कर दिया है। इसे मैं जूम कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट्स आए हैं इसे आप चेंज कर सकते हैं। पॉइंट्स को कैसे चेंज करना है जूम करके मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्लिक करके इस पॉइंट को आप ऊपर नीचे ले सकते हैं डायरेक्टली, उसके ऊपर रेड अगर मार्क आता है तो उसका पॉइंट आप चेंज कर सकते हैं। जितने भी ब्लू मार्किंग पॉइंट्स है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं,
इसे मैं क्लिक करके अंदर की तरफ ले रहा हूँ, तो ये इस तरह से कर्व पॉइंट ये चेंज कर सकते हैं। तो एसपी लाइन में कभी भी मॉडिफाई करना पॉसिबल है दोस्तों, और वो बहुत सिंपल से आप कर सकते हैं। बस आपको इस पॉइंट को लेके ड्रैग करना होगा अंदर या बाहर। वो रेड हो गया, इसका मतलब आप उस पॉइंट में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ शेप नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, ये शेप ऐसा रहने दो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे मैं आपको बता रहा हूँ ड्रॉ में। एसपी लाइन तो आपको पता चला है, ड्रॉ में मैं साथ ही में एलिप्स ले रहा हूँ। मैं कुछ यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ इस शेप्स के साथ, तो यहाँ पे मैं एलिप्स ले रहा हूँ। एलिप्स तो आप सभी को पता है, आपने जनरली ड्राइंग में किया होगा, लेकिन यहाँ पे कैड में कैसे करना है एलिप्स को देखो। एलिप्स में ऑप्शन है आपके पास, सेंटर है, एक्सिस एंड है और आगे। तो इसमें से मैं पहला ऑप्शन ले रहा हूँ यहाँ पे सेंटर। सेंटर लेने के बाद मैं यहाँ पे इसका जो रेक्टेंगल मिड पॉइंट है वो ले रहा हूँ, और दूसरा ये पॉइंट ले रहा हूँ। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है, दो पॉइंट लेने के बाद यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इसका रोटेशन पॉइंट। एलिप्स मुझे किस तरह से चाहिए, इस तरह से दिखाई दे रहा है दोस्तों। मैंने कैसे लिया एलिप्स, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एलिप्स किस तरह से ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक दूसरा रेक्टेंगल में ले रहा हूँ। एलिप्स के लिए ड्रॉ में जाइए, आप एलिप्स में जाइए, सेंटर वाला एलिप्स। सेंटर मतलब ये मिड पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ पहला पॉइंट। यहाँ पे स्पेसिफाई सेंटर ऑफ द इलिप्स, आप कमांड लाइन पे देख सकते हैं सेंटर ऑफ द इलिप्स। सो मैं सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई कर रहा हूँ। नेक्स्ट कमांड लाइन पे आप पढ़ो, मैं कमांड लाइन जरा जूम करके दिखा रहा हूँ। स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस, एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस, ये एंड पॉइंट लिया मैंने। एंड देन कमांड लाइन पे आप जरा वापस नोटिस करोगे, मैं जूम कर रहा हूँ, क्या है स्पेसिफाई डिस्टेंस ऑफ टू द अदर एक्सिस पॉइंट। तो यहाँ पे रोटेशन बोल सकते हैं उसको, रोटेशन कैसा चाहिए आपको, ऐसा ये एक्सिस पॉइंट रखना है कि ऐसा रखना है, ये आपके ऊपर है। आप इस तरह से इसे चेंज कर सकते हैं, जैसा रोटेशन आपको चाहिए पॉइंट उतना क्लोज आप रख सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ में, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, और ड्रॉ में एलिप्स में और एक एलिप्स है एक्सिस एंड पॉइंट। एक्सिस एंड का जो एलिप्स है मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, और इस पॉइंट से लेकर डायरेक्टली मैं इस पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एलिप्स ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से। अभी आपको दिखाई दे रहा है एलिप्स कैसे ड्रॉ होता है अलग अलग कमांड से, क्लियर है एलिप्स ड्रॉ करना आपको। मैं यहाँ पे ट्रिम करके दिखा तो आपको, टी आर डबल एंटर, और ये ट्रिम आप कर सकते हैं ऐसे। वैसे ही मैं इसी में, इसमें भी ट्रिम कर रहा हूँ, ये लाइन्स में ट्रिम कर सकता हूँ इस तरह से, या फिर आप इस रेक्टेंगल को डिलीट भी कर सकते हैं डायरेक्टली, उसकी ज़रूरत वैसे अभी नहीं है मुझे, तो मैंने डिलीट कर दिया है। अभी आपको दिख रहा है इस तरह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट है। ये ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ये टेम्पररी मैंने लिया था, इरेज़ कर देता हूँ। यहाँ पे ये फ्लावर पॉट मैंने क्रिएट किया है। अब मैं यहाँ पे आर्क ले रहा हूँ, आर्क जो मैं ड्रॉ टूल बार उसमें से ले रहा हूँ। क्विकली आर्क लेने के लिए मैं यहाँ पे इसका यूज़ कर रहा हूँ, आर्क कमांड लेके। मैं इसका शॉर्टकट की भी आपको बताने वाला हूँ, बल्कि आगे जितने भी ड्राइंग्स हम सीखने वाले बाद में उसमें सब हम शॉर्टकट की से सीखने वाले हैं। तो फिलहाल आपको ये कमांड यूज टू हो जाए, इसके लिए मैं दिखा रहा हूँ कि कौन सा कमांड कौन से टूलबार से आपको पिक करना है। आपको प्रैक्टिकली ये समझ में आ जाए कि कौन सा टूलबार में कौन सी कमांड अवेलेबल है, उसका यूज़ कैसे किया जाता है। इसके लिए बाद में हम लोग जब भी कुछ भी ड्राइंग क्रिएट करने वाले हैं तभी मोस्ट ऑफ हम शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं इसे जूम कर रहा हूँ, और मैं इसे आर्क यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से। मैं फर्स्ट पॉइंट ले लिया है मैंने यहाँ पे, सेकेंड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, और थर्ड पॉइंट, और थोड़ा सा मैं इस पॉइंट को पैरेलल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो एक फ्लावर पॉट है, तो मुझे एग्जैक्टली इतना नहीं चाहिए, तो मैं पैरेलल रखने की कोशिश कर रहा हूँ इसे। जो ऊपर का एलिप्स है उसे पैरेलल रखने की कोशिश मैंने की है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैं इसे ऑफसेट टूलबार से ऑफसेट करना चाहता हूँ, तो ऑफसेट कैसे होता है दिखाई देगा आपको अभी। ऑफसेट ये कमांड हमने कंस्ट्रक्शन लाइन में सीखी थी, अगर आपने उसकी प्रैक्टिस करी रहेगी कंस्ट्रक्शन लाइन की अच्छे से ऑफसेट कमांड की, तो वो कमांड वहाँ पे हो चुकी थी। उस कमांड में हमने देखा था कि लाइन के ऑफसेट कैसे बनते हैं। यहाँ पे हम लोग आर्क के ऑफसेट बनाने वाले, तो ये ऑफसेट कमांड हम लोग यूज़ करेंगे। इसके लिए ओ एंटर शॉर्टकट की भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ऑफसेट पर क्लिक कर रहा हूँ। ऑफसेट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहली चीज हम कमांड लाइन पे पढ़ेंगे क्या आ रहा है, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। ऑफसेट डिस्टेंस आप स्पेसिफाई कर लो। मैं ऑफसेट डिस्टेंस यहाँ पे दे रहा हूँ सपोज
2.0 में एग्जांपल देके यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, 2.0 यू कैन एंटर टू ओनली, 0.0 लगाने की जरूरत नहीं, मैं वैसे ऐसे ही एग्जांपल टाइप कर रहा हूँ, एंटर। तो इसके बाद नेक्स्ट कमांड क्या रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ ऑफसेट के लिए, ये ऑब्जेक्ट है मेरा। एंड देन उसके बाद आपको है स्पेसिफाई पॉइंट ऑन साइड, जो साइड में आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑफसेट चाहिए ऑब्जेक्ट का, तो ये ऐसा आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये डिस्टेंस ज़रा ज़्यादा हो रहा है, मुझे इतना डिस्टेंस नहीं चाहिए, मैं इस कमांड को एस्केप करके कैंसिल करूँगा, ये दोनों मैं इरेज करूँगा इंटर से, और मैं दोबारा ऑफसेट लूँगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को नीचे ले रहा हूँ, जो पैरेलल है उसमें ये थोड़ा सा मुझे ऊपर दिखाई दे रहा है। देखो मैं एक्यूरेसी नहीं देख रहा हूँ यहाँ पे, मैं बस ड्राइंग्स अच्छी दिखाई दे, डिजाइंस अच्छी दिखाई दे इसकी, इसके ऊपर जो ऑफसेट की मैं कर रहा हूँ, इसकी कोशिश मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एक्यूरेसी हम लोग नहीं सीख रहे इसमें, तो इसमें कोई डायमेंशंस की बात नहीं है, ऑफसेट मैं ले रहा हूँ, ऑफसेट मैं यहाँ पे कम कर रहा हूँ, मैं 1 का ऑफसेट दे रहा हूँ, ऑफसेट 1 इंटर, एंड देन मैं क्लिक करके नीचे एंटर करो, ये थोड़ा सा परफेक्ट लग रहा है मुझे, और ये मैं ऑफसेट क्लिक करके इस तरह से इसका डुप्लीकेट या फिर ऑफसेट मारते जाऊँगा। डुप्लीकेट तो हो रहा है, लेकिन साथ में आप एक नोटिस करोगे आपकी साइज भी बढ़ती जा रही, क्योंकि ऑफसेट में ऐसे होगा अगर वो आर्क है तो उसकी साइज ऐसे बढ़ती दिखाई देगी, अगर आप ऊपर की तरफ लोगे तो कम होते हुए दिखाई देगी। फिलहाल हमें ये नहीं चाहिए, मैं इसे डिलीट कर देता, और बाकी के भी नहीं चाहिए, तो इसके लिए हमें ट्रिम करना होगा, यू नो ट्रिम, TR डबल एंटर, यस TR डबल एंटर, ये शॉर्टकट की हम यहाँ पे टाइप करने के बाद डबल एंटर प्रेस करेंगे, और इस तरह से मैं इसे ट्रिम कर रहा हूँ, ये लाइंस मैं यहाँ पे ट्रिम कर रहा हूँ, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे लाइंस ट्रिम कर रहा हूँ, मैं ऐसे ड्रैग करूँगा तो भी ये ट्रिम होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये एक्स्ट्रा लाइंस मैंने ट्रिम कर दिया, और ये फ्लावर पॉट के ऊपर एक डिज़ाइन बनाया, राइट क्लिक एंटर। तो इस तरह से ये डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हमने देखा एलिप्स कैसे ड्रॉ करना है, साथ ही में एसपी लाइन किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, और ऑफसेट कमांड भी कैसे यूज़ किया जाता है, ऑफसेट कमांड में ऑफसेट डिस्टेंस क्या होता है, ऑफसेट में साइड्स कैसे आपको देनी है, यहाँ पे बहुत सिंपल है ये सभी कमांड्स, ड्रॉ के अंदर ये कमांड आप करोगे एसपी लाइन वगैरह यूज़ तो प्रॉपरली आपको उसका यूज टू हो जाएगा। आप प्रैक्टिस कर लो इसके ऊपर, इस तरह से एक फ्लावर पॉट क्रिएट करने की कोशिश करो, और मेरे वीडियोस देखते रहो। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पर क्लिक करना ना भूलिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करिए, क्योंकि सब्सक्राइब बटन क्लिक करने के बाद आपको मिलेगी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन। लेकिन वो बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब के बाजू में जो आता है वो घंटा जरूर बजाएगा दोस्तों, क्योंकि उसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी मेरे वीडियोस की। तो ठीक है, इसके बारे में कुछ कमेंट्स रहेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए, आपके कमेंट्स मैं हमेशा पढ़ूंगा, उसके आंसर्स उसके रिप्लाइज करते रहूँगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के अंदर आपको बाद में, तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा दोस्तों।